मखनी दाल के साथ नान बनाते हैं। सबसे पहले ये हमने मैदा लेना है, फिर इसको छानना है। अगर इसमें कुछ भी अशुद्धियाँ होगी तो वो निकल जाएंगी। ये देखिए, जैसे कुछ इसमें से काला दिख रहा है। ये हमारे पास 400 ग्राम मैदा है। ये छोटी ये कटोरी सूजी की है। इन सबको अच्छे से मिला लीजिए। एक चम्मच नमक, इसमें थोड़ा बच गया है, इसकी ज्यादा की जरूरत नहीं। ऐसे ही ये एक चम्मच चीनी, इसमें भी समझो हाफ हाफ ही गया है इसके अंदर। देखो इसके इस ये अब आटा हम दही से गूंद रहे हैं। इसको दही को मैंने पहले छाछ बना लिया, लिक्विड कर लिया मिक्सी में या ग्राइंडर से चला के। अगर किसी के पास ये छाछ नहीं है तो वो इसमें से हाफ नींबू डाल लेना, तो फिर नान बहुत ही अच्छे बनते हैं। ये देखिए, इसको बेकिंग सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा। ये हमारे नान को फुलाएगा। ये देखो, पौना चम्मच है ये बेकिंग सोडा, इसको बोलते हैं मीठा सोडा। ये सिर्फ हमको इतना ही डालना है। देखने में दोनों ही वाइट है, लेकिन बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, इनको हमने अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लिया। आप खाली मैदा का भी बना सकते हो। अगर एक बच्चे को अपने लिए खाना है तो वो एक कटोरी आटे से ही बहुत रहेगा उसके लिए, और उसमें थोड़ा थोड़ा एक एक चुटकी ही सामान डालना। फिर ये देखो, ये 200 ग्राम दही है। दही भी मैं इसमें ज्यादा नहीं ले रही हूँ, इतने से ही हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम गर्मी का मौसम है। सर्दी का मौसम हो तो क्या, खाली दही से आटा गूंद लो। अब हम आटा बनाते हैं। आटा मैं परात में भी बनाती हूँ, लेकिन परात में आटा जिन बच्चों को नहीं आता उनसे दिक्कत होती है आटा गूंदने के लिए, लेकिन बाउल में आटा बहुत जल्दी और आसानी से गूंद जाता है। ये देखिए, पहले बस हल्का हल्का सा करिए। नान का आटा थोड़ा नरम ही लगाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे पानी डालिए, एकदम मत डालना नहीं तो ये बहुत पतला हो जाएगा। देखो, अब हमारा सिर्फ इतना ही पानी लगा है। एक गिलास पानी हमने लिया था, ये हाफ पानी भी नहीं लगा, 1/3 में से ही हमारा हो गया, बन गया है, ये आटा गूंद गया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए, ये आटा जो हमने भी गूंदा था, ये हमने रेस्ट करके ये ऐसा बन गया है। ये देखो, इस पे थोड़ा सा घी लगा लीजिए। इससे कि ये हमारे हाथों पे
चिपके नहीं। और इसका एक एक बाउल तोड़ के जितना छोटा बड़ा नान हमें बनाना है उतना हम इसका एक बाउल बना लेंगे। और इसको एक एक को रखते जाइए। थोड़ी सी इसमें ग्रीसिंग हम जिस चीज़ पे रखते हैं उसमें भी कर सकते हैं कि चिपके ना। ये हमने गैस ऑन कर दी, इतने इधर हमारा तवा गर्म होता रहेगा। ऐसे लोई बनाने से रोटी बेलना, नान बेलना आसान हो जाता है। ये आटा एकदम स्मूथ हो गया। और कुछ हम इसको ऐसे रख के ये हम नाइफ से भी काट सकते हैं। जितना भी बड़ा बाउल हमें चाहिए, जितना भी बड़ा पेड़ा हमें चाहिए वो हम इससे भी कर सकते हैं ऐसे करके। तो फिर हमने ऐसे उठाया और बस बड़ा इजी ये बन गया। ये देखो हाथ भी गंदा नहीं हुआ। हमारा ये 400 ग्राम मैदा थी, तब देखिए कितने बनते हैं नान हमारे। ये हमारे 14 नान बने हैं। ये मीडियम साइज के ही नान है, ज्यादा हमने बड़े नहीं बनाए हैं। कभी छोटा बड़ा से पेड़ा हो जाए तो उसमें से ऐसे पीस निकाल लेना। हमने इनको रेस्ट करने के लिए रखा है, बनाते जाएंगे। एक कपड़े से इनको ढक दिया है। अब जो हम बनाएंगे, थोड़ा सा पानी लेना। तवा गर्म हो चुका है, हमने इसको सबसे पहले कपड़े से पोंछ लिया। हम इसे मैदे से भी बेल सकते हैं और थोड़ा सा घी लगा कर भी बेल सकते हैं। हमने गैस तेज कर दी। एक नान हमने इसको डाला।
देखिए इसमें थोड़ा सा पानी लगाइए और ये ऐसे कीजिए। ये देखिए ये बिल्कुल नान देखो नरम और कुरकुरी बन गई है। ये आटा अगर आप 2-3 घंटे ज़्यादा देर रखोगे तो और ज़्यादा अच्छी बनेगी। ये मैंने इंस्टेंट ही बना के दिखाई है आपको, लेकिन मेरी इंस्टेंट भी ये जैन रेसिपी के हिसाब से बहुत अच्छी है। जो लोग उपजाऊ आटा नहीं खाते हैं, ये सारी रेसिपी मैं जैन रेसिपी के अकॉर्डिंग ही बना रही हूँ। आप इसे ट्राई कीजिए, आपको अच्छी लगेगी।